मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। तो एक बार फिर हम लोग निकल गए ऋषिकेश से। टाइम हुआ है 6 और निकले इसलिए जल्दी हैं क्योंकि सिटीज से जल्दी निकल जाएंगे, ट्रैफिक नहीं मिलेगा। ऋषिकेश का ट्रैफिक सभी को पता है। और इधर हमारे नाबू जी मुंह छिपाए बैठे हैं और इधर रोहन ड्राइव कर रहे हैं और रास्ता मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत सुंदर लग रहा है। तो हम लोगों ने जो रूट लिया है वो लिया है हर्रे वाला, डोई वाला, देहरादून और पौंटा साहिब होते हुए हम लोग चंडीगढ़ पहुंचेंगे आज। और रास्ता ये है और हल्की हल्की बारिश पड़ रही है, रात से थोड़ी थोड़ी बारिश थी। नवाब वहां पे घूमने गए अभी, सुसु वगैरह करने के। ये भाई तब से परेशान है भोंक भोंक के। रूट हमारा इधर से, अभी हम लोग डोई वाला रुके हैं। नवाब के कोई फैन है वो भी आ रहे हैं मिलने, उनसे मिलके फिर निकलते हैं। नवाब कम जाओ। अरे वाह, आराम से आराम से, कहाँ जा रहा है? ये देखो नाबू, नाबू मस्त घूम रहा है, कभी तोरी पे कभी इधर, सब पे सुसु करेंगे हम, है ना नाबू? ये देखो नवाब साहब घूम रहे हैं। नवाब को कल से 2 दिन से खुली जगह मिल जाती है इस टाइम, है ना? ये तो बनती है वीडियो, यात्रा के बाद में इतना तो बनता है। डर रहा है। डर। इधर आ गया हमारा दही पराठा। नाबू को भी थोड़ा सा हमने ब्रेकफास्ट के तौर पे इसको डॉग फूड खिलाया आज। रोहन ने रोटी खा ली है, पराठा हो गया रोहन का, नाबू आपने, और अब ना दवाई खा रहे हैं। और दवाई देखो डॉक्टर ने यहाँ पास के डॉक्टर से लेके आए हैं, दवाई देखो कितनी सारी दे दी है। बीपी चेक किया, पल्स चेक किया, वेट चेक किया और एक दवाई है उस पर तो लिखा है कभी भी। मेरे को ध्यान आ गया व्लॉग बनाती हूँ, ये तो बड़ा सही है। ये कहाँ बैठ गया? सही में देखने कहाँ बैठ गया ये। चलो चलते हैं हम लोग, अब हमारे जाने का टाइम है। बाय बाय। ना वो बैठ गया। सो फाइनली हम लोग निकल गए डोई वाला से, और ये डोई वाला के बाद में जो टोल आता है ये है, और हम निकलेंगे देहरादून बाईपास होते। गया? आ गया। अब जाएगा ये, कह रहा वीडियो बनती है, अब जाता हूँ मैं, पहचान लेंगे लोग मुझे। क्या कह रहा है, नामों को बोल रहा ना कुछ? रेड लाइट। तो हम लोग निकल गए हैं देहरादून से और पहुंच गए हैं पौंटा साहिब, और ये सामने जो आप देख रहे हो पौंटा साहिब गुरुद्वारा, और साथ में बहती हुई यमुना नदी जो कि बहुत ही शांत होकर निकलती है, बिल्कुल भी शोर नहीं करती है। इसकी अपनी एक कहानी है ऐसा क्यों है। और अब हम डलवाने वाले हैं अपने चेतक में खून, मतलब कि पेट्रोल। आप सबको पता है हमारा चेतक कितना खून पीता है, खून से चलता है वो, पेट्रोल डलेगा। और हम लोग पहुँचेंगे नारायणा में वेट कर रहा है हमारा वैभव। तो हम लोग यहाँ से सीधा जो हमारा स्टॉप है वो लगेगा नारायणा में, मिलेंगे वैभव से, बैठेंगे बातचीत करेंगे। ये जो चेक की शर्ट में लड़का दिख रहा है ना, ये हमारी जिंदगी में ऐसा है क्या इसको बता नहीं सकते। और इसे हर जगह खाना ही दिखता है बस। ये जाता कहाँ है लेकिन इसका खाना, ये देख रहे हो, इसे जहाँ भी देखो वही खाना चाहिए। और नवाब यहाँ पर हमारे पिछले 2 दिन में तीसरी मीटिंग है। ये इधर अपना मॉडल, इधर रील्स बनी है बहुत सारी, और ये देखो पापा क्या करवा रहे हैं, पापा करवा रहे कान साफ। मैंने फर्स्ट टाइम कराया, मैंने भी कराए, लेकिन रोहन आपने कराए हुए ना पहले 10-12 साल पहले। ये देखो कपार, आपको सब कितना प्यार कर रहे हैं। पापा के कान उधर साफ, नाबू की खुजली इधर। मिले भी खिला दो। मेरे भी साफ कराओ, मेरे भी कराओ। तो अब हम लोग जा रहे हैं अपनी गाड़ी यहाँ पार्क करके, नाबू बैठ गया इधर। अब हम लोग जा रहे हैं त्रिलोक देवी मंदिर। आप सब लोग जानते ही होंगे ये काला आम में पड़ती है और बहुत ही मान्यता है माता की। ये देखो हम लोग आ गए हैं, पहले मैं मत्था टेक के आई,
अब नाबू जा रहा है मत्था टेकने त्रिलोकपुर मंदिर। नवाब ने भी मत्था टेक लिया, ये जा रहा है अंदर। तो फाइनली हम लोग निकल गए नारायणगढ़ से, माता के दर्शन करके आए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। और अब हम लोग जा रहे हैं चंडीगढ़, चंडीगढ़ रुकेंगे रात को वहीं होल्ट है अपना। और मैं आज हम लोग ने नया रास्ता लिया ना रोनी, थोड़ा बाईपास है इधर से नारायणगढ़ से चंडीगढ़ वाला, पंचकुला होते हुए हम लोग निकलेंगे। और कल सुबह से हम लोगों का फन हो जाएगा स्टार्ट। और अभी हम लोग जा रहे हैं भैया के पास रुकेंगे। और भैया ना मेरे फेवरेट भाई है, फेवरेट मतलब उनसे ना मिलते रहने का मन करता है बार बार। मैं आपको मिलवाऊंगी आप सबसे उनको। तो ये हम आ गए फाइनली अपने फेवरेट चंडीगढ़, और हम जा रहे हैं भैया के घर। और हमारे ड्राइवर साहब की तबीयत कल से सुबह से थोड़ी ठीक है, तो भैया का जो घर है वो ये है। और हमने गाड़ी पार्क कर दी अपनी यहाँ पे, नब्बू चला गया अंदर, मैं पीछे से जा रही हूँ। और कहाँ जा रहे हो श्री, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? रुको इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। नब्बू आप कहाँ घूम रहे हो, कहाँ घूम रहे हो आप? हम पहले आ गए थे आपसे। हाँ जी, बैग वैग निकाल देते हैं। देखो 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 कैसे खेल रहा है श्री। ये तो श्री के कारनामे, श्री क्या कर रखा है आपने, ये दीवार पे क्या है ये देखो। और रे बाप रे, ये देखो नवाब चढ़ गया बैठ। क्या चेक कर रहे हो आप, क्या श्री नवाब किसके घर आ गए आप? ये इसको हाथी दे दे श्री। और ये देखो कहाँ रखी है गाड़ी, और गिरेगा नीचे। ओ क्या चाहिए, कौन सा टॉय चाहिए? नहीं ये भी नहीं चाहिए। सारे टॉयज खोल दिए श्री ने इसके सामने। श्री ये देखो, बोलो मामू हम आपके घर आ गए, आप बाद में क्यों आए हो? मामू का ऑफिस ना अच्छा है ना, क्या करे। खुश खुश मेरा इतना मन लगता है ना आपके साथ में। आजकल भाई की अतिथि हो रखी है। और कैसे हो, कैसे रहा मामू? देख मामू क्या लेके आए। मामू जी कैसे आए, बिल्कुल पापा की तरह दोनों हाथ ऐसे भर के। हाँ सीख ले कुछ उससे बदतमीज। और क्या उन बुस को देखो कितना अच्छा बच्चा है, सोया हुआ है मम्मी पापा की बात। सो जाओ इतना अच्छा। हाँ क्या आप कब से कह रखा है कि सो जाओ सो जाओ, लेकिन आप तो दुखी कर रहे हो हमें। और उसको देखो कितना शांति से पैरा सो रहा है। अरे उसने मम्मी पापा की बात मान के रोटी भी खा ली और अगला सोना भी पड़ा है श्री। हम लोग खा रहे हैं, आप लोगों ने सुन लिया होगा जो अभी तारीफें चल रही है नवाब की। 5 बजे हैं और आज हमें उठाया श्री ने। इस बच्चे को सुबह 5 बजे चाय चाहिए, सुबह से उठ के बोल रहे हैं कि मुझे चाय चाहिए। और नवाब को घुमाने गए हैं रोहन बाहर। और पूरी रात आज बारिश होती रही, हम लोग चंडीगढ़ में हैं। और अभी मॉर्निंग में नवाब की एक फैन है वो मिलने आने वाली है। आपको पता चल गया कौन आ रहा है? नाबू से कोई मिलने आ रहा है, चलो देखे कौन आ रहा है, कौन आ रहा है। चलो चलो देखो 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 कैसे मिल रहा है। अरे आओ आओ ये लो। दरवाजा खोलो, चलो ना वो दरवाजा खोल दो बेटा, खोल दो, बुलाओ दीदी को अंदर। कैसे मिल रहा है, आप जानते हो दीदी को है? आप पहले नहीं, ये देखो सारे हाउल हाउल कर रहा है हाउल। वो देखो वो आ गए सारे, देखो देखो। आप दीदी से पहले मिले हो? किसे प्यार से मिलाई है पता है, घर पे ऐसे ही मिलता है सबसे। वो देख रहे हो और क्या लाए हो, ये आप ही के लिए है, आप ही के लिए। अच्छी लो स्क्रैचिंग स्क्रैचिंग स्क्रैच, इसको बहुत पसंद है। दिन रात तेरी वीडियो देख आज लग रहा है मैं अरे नामू को बिल्कुल से टच कर रही हूँ। अच्छा ये किसके लिए, घुस गया पूरा सामान के अंदर घुस गया। ओए नामू के लिए टॉय है, ये देखो 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 देखो।
देखा लालची, अभी जरा अब तो मैं शेक कर दूंगा। अच्छा शेक हैंड, गुड बॉय। दूसरा वाला करो, दूसरे वाला। अरे अरे लालची लालची टांग पकड़ ली टाइगर। करो पापा दिलाओ ना, पापा पापा दिलाओ ना, पापा दिलाओ। श्री को देखो कितना मजा आ रहा है। सिट करो नवाब, सिट करो, आप करो सिट। गुड बॉय, निकल लीग। अरे अरे दीदी का मन नहीं है जाने का, लेकिन जाना पड़ रहा है। बाय बाय। मेरे बाहर से कितने सुंदर लगते हैं ना बेटा। हाँ। अभी कुछ डिस्कस करते हैं, पहले ना सबसे पहले भैया से हाय हेलो करते हैं। हाय भैया। हेलो। तो भैया का जो हिमशु का कनेक्शन है, और वो कितने सालों से, पहले हिमशु बताएगी। कितने साल हो गए कि याद नहीं है, अब याद नहीं है। बारह साल से ज्यादा हो चुका है। भैया हिमशु के टीचर थे। हाँ। और उससे भी अलग जो ये नवाब है, और नवाब का जो इस बच्चे का कनेक्शन है, वो मैं बताता हूँ आपको, है ना। फोर डेज का था ये। हाँ, ये वो बच्चा है जो टिकटॉक पे वायरल हुआ था कि इतने छोटे बच्चे के साथ में डॉग, है ना। तो ये उस टाइम पे 4 दिन का था। हाँ, और दीपक भैया ने नवाब को अलाउ करा कि नहीं, हमें नवाब के साथ में खेलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तब से मैं कनेक्ट हुआ। हाँ, है ना। 4 दिन का बच्चा, और उसके ऊपर ना बहुत ज्यादा हमारे पास में मैसेज आए थे कि मतलब आप लोग ऐसे बच्चे को कैसे छोड़ सकते हो। तो वी सेड कि हमारा अपना बच्चा है और हमने कर लिया। बट एज ए पेरेंट्स, आपका उस टाइम पे जो थॉट था वो क्या था? नहीं, हमारा कोई थॉट नहीं था। हमें ये अभी थोड़ा सोचना पड़ रहा है, इस क्वेश्चन का सोचना पड़ रहा है। इस टाइम हमें ये सोचना पड़ रहा है कि ये हमारा बेटा नवाब को परेशान कर रहा है। बट मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ नहीं था। कुछ भी नहीं था नवाब को लेके, कि कोई मोकला हो या कुछ। वो उल्टा ज्यादा केयरिंग था, वो उसके बिल्कुल पास ज्यादा नहीं है, वैसा भी नहीं है। और वो तो उल्टा श्री ज्यादा है, उसको बार बार उठ के देख भी रहा था। हाँ, तो जब नवाब पहली बार श्री से मिला था ना, तो नवाब वाज केयरिंग लाइक ए मदर, है ना। बिल्कुल ऐसे वो रो रहा है तो उठ उठ के देख रहा है। बोल रहे थे कि श्री, उस टाइम पे श्री का नाम नहीं रखा गया था, कि भाभी आपकी ना एक और साथ में माँ आ गई है। ये यही बोला था कि माँ। और भैया आपको पता है, जब नवाब का अकाउंट पे हमने श्री और नवाब की वीडियो डाली थी ना एक साथ टिकटॉक पे, तो उसने हमें 1 लाख फॉलोअर दिए थे। वाओ, क्या बात। उस रील ने, है ना, क्योंकि सब लोग ऐसे कनेक्ट हुए थे कि मतलब 4 दिन का बच्चा। डिजर्व भी करती थी, बिकॉज़ वो सच में ये फैमिली है यार, फैमिली है हमारे लिए, वो बेटर करता है जिस तरह तुम लोग बेटर करते हो। हम इतना नहीं मिलते उससे, बट फिर भी कभी ऐसा नहीं लगता कि वो अलग है। बहुत टाइम बाद मिल रहा है, क्योंकि कभी लगा अगर वो इस घर में है ना तो बच्चे की तरह, बच्चे की तरह। वो तो आप लोग देख ही रहे हो, वो तो बड़ा भाई है। खुशी का सच में बड़ा भाई है। मतलब मैं हर जगह जैसे नहीं रुकता हूँ, आप लोगों ने व्लॉग्स में भी देखा है, बट स्टिल आई थॉट कि नहीं नहीं मेरे को वहीं पे रुकना है। बट अभी भी ना वही सेम कनेक्शन था। और जैसे भैया और भाभी ना हम बार बार बोल रहे थे कि मतलब नवाब देखिए बेटर है, नवाब बेटर है, श्री तू ऐसा क्यों नहीं सीखता है भाई से, सुनने को भी मिल जाए। हाँ, बहुत सारे कुछ वीडियोस में मिलेगा आपको कि नवाब नवाब से सीख लो। और इसकी शैतानी मैनर सीखेगा ये मेरे भाभी, 4 साल का हो गया। हाँ, इसकी शैतानियों को देख देख के ना, मतलब भैया बोल रहे थे, भाभी बोल रहे थे, 3 साल का हो गया, 4 लग गया मतलब नवाब। तो उस टाइम पे नवाब फिर 6-7 महीने का था, 6-7 महीने का है, इससे बड़ा है। एक लास्ट क्वेश्चन हिमशु के बारे में, कैसे झेल रहे थे इसको आप इतने सालों से? ब्लड वाला रिलेशन नहीं है, लेकिन एक्चुअली में भैया के साथ, भैया मेरे लिए स्पेशल आना ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि चाहे दिल्ली कभी नोएडा थी तब भी आना है, याद रहना, विशेष रहती है, स्किप भी हो सकते थे कई बार, वो भी जाता है। भाभी तो कल से मेरे को बार बार बोलने की आए, मतलब तुम बहन की ज्यादा सुनते हो, शायद बहन के आने पे। एक और चीज भी है कि जैसे मुझे लगता है कि तुम लोग हमेशा ट्रिप से आते हो, तो मोस्टली क्या होता है, बंदा ट्रिप से आता थका हुआ होता है, वो अपना घर ढूंढता है। पर तुम लोग यहाँ आते हो तो हमें बहुत बड़ी चीज लगती है, क्योंकि ब्लड रिलेशन में भी कोई इतना नहीं देखता। ब्लड रिलेशन में क्या होता है, हाँ जी थक गए, ट्रिप से आए, चलो अपने घर चलो, किसी के यहाँ नहीं रुकना। बट तुम लोग आते हो तो क्योंकि कोई कनेक्शन है, कोई खास
क्लिएशन हमेशा सही कहा है कि तुमने एक वीडियो में कि ब्लड के नहीं होते, एहसास के ही होते, एहसास के ही कनेक्शन है वो हमारा ऐसा ही सही भैया। ओन कैमरा आई एम सेइंग रियली थैंक यू व्हाट अ कनेक्शन यू हैव मतलब विद नवाब, नहीं फॉर नवाब मतलब ये इंटरव्यू यही खत्म करते हैं, बाकी भी लोग इसके साथ में कनेक्ट करते हैं और बी विद अस, अभी हम लोग निकलते हैं क्योंकि सफर थोड़ा लंबा है तुम लोगों का भी।